नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी शानदार सी सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करना है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों, थ्योरी वाला सेक्शन हमने बहुत विस्तार से कवर किया है। यदि आपने उसे कंप्लीट नहीं किया तो पहले आप हमारे उस सेक्शन को देखें, इसके बाद हमारे इस वीडियो को आप देखें, ताकि आप अधिकतम प्रश्नों का सही जवाब अपने मन में बना पाएं। ठीक, यदि आपने कहीं और से इस टॉपिक को कवर किया है तो आप डायरेक्ट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 से। दोस्तों, प्रश्न 1 आपसे पूछता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी संगणक भाषा का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है, एआई में किन भाषाओं का उपयोग किया जाता है। तो थ्योरी वाले सेक्शन में हमने बात की थी लिस्प, प्रोलॉग, इन भाषाओं का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। तो इन चार विकल्पों में हमें कौन सा ऑप्शन मैच करते हुए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, प्रोलॉग भाषा का उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किया जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों, लिस्प का फुल फॉर्म, कि लिस्प का फुल फॉर्म आखिर होता क्या है, इस बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लिस्प को बनाया किसने था, ये भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। फिर बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है। हम सब ने बात करी थी दोस्तों, जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 3 की, निम्नलिखित में से किस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है। हमें बताना है इन चार विकल्पों में से किन विकल्पों में या किस विकल्प में या जिन विकल्प में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिनमें भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है, उनका चयन हमें करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, रोबोट। तो हाँ, रोबोट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में दोस्तों, इसमें भी हम करते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करने में। ठीक, आभासी वास्तविकता जिसे हम कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, इसमें भी दोस्तों हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों विकल्प में हम जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, और चौथा विकल्प कहता है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब होना चाहिए। फिर बारी आती है डीप माइंड, जो कि एआई से संबंधित है, उसका संबंध किस कंपनी से है। दोस्तों, इसकी हमने चर्चा करी थी, डीप माइंड इसका संबंध किस कंपनी से है, तो डीप माइंड का संबंध गूगल से है। ऑप्शन नंबर बी हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 5 की। 5 कहता है, सीरी किस कंपनी की एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। हमने चर्चा करी थी दोस्तों, अलेक्सा की। इसी प्रकार से हमने चर्चा करी थी सीरी की, और दो और वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट की बात हमने की थी, एक सैमसंग का था। आप हमें सैमसंग के वॉइस असिस्टेंट का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक, तो अलेक्सा दोस्तों किसका है, अमेज़न का है। सीरी किसका है, एप्पल का है। बस यही आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सीरी किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए, सीरी एप्पल का वॉइस असिस्टेंट है, वर्चुअल
AI बेस्ड वॉइस असिस्टेंट है। कब एप्पल ने इसे लॉन्च किया? यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 6 की। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछता है, सोफिया रोबोट किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों सोफिया को बनाया था हांगकांग चीन ने, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न ये है, सोफिया को अपने देश की नागरिकता किसने प्रदान की थी? क्या सोफिया को अपने देश की नागरिकता किसने प्रदान की या किस देश ने प्रदान की? इसका आंसर हमें आपसे कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है। फिर बारी आती है रीवा की। रीवा क्या है? दोस्तों रीवा एक रोबोटिक नर्स है, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 8 की, जो कि आपसे पूछता है, दुनिया में किस देश ने सबसे पहले AI की पहल की और फिफ्थ जनरेशन प्लान या फिफ्थ जनरेशन योजना की शुरुआत की? इसकी बात हमने करी थी दोस्तों AI के संबंध में। फिफ्थ जनरेशन जो योजना है वह जापान ने तैयार की या जापान ने इसको शुरू किया? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 8 का सही जवाब है। आपको कमेंट में बताना है जापान ने इस प्लान को किस वर्ष शुरू किया। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 9 की। भारत का कौन सा शहर AI का प्रमुख केंद्र बन गया है? आपको बताना है भारत का कौन सा शहर AI का प्रमुख केंद्र बन गया है। हमने चर्चा की थी दोस्तों बेंगलोर AI का प्रमुख केंद्र बन गया है। आपको एक आंसर और कमेंट सेक्शन में देना है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। किसे कहा जाता है? प्रश्न 10, AI पावर्ड चैट वॉट का उपयोग करने वाला TV कार्यक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखें, मैं कुछ भी कर सकती हूं ऐसा TV कार्यक्रम है जिसमें AI पावर्ड चैट वॉट का उपयोग किया जाता है, इसे आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 11 की। प्रश्न 11 आपसे क्या पूछता है? प्रश्न 11 पूछता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता टास्क फोर्स का गठन किया गया? ध्यान रखिए आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किस मिनिस्ट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कार्मिक मंत्रालय, वाणिज्यिक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो दोस्तों इसकी चर्चा हमने करी हुई थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर टास्क फोर्स का गठन किस मंत्रालय ने किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया है। इतना आपको ध्यान रख लेना है आपके एग्जाम के लिहाज से। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 11 का एकदम सही जवाब है। ध्यान रखें, AI पर टास्क फोर्स किस मंत्रालय ने? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। फिर बारी आती है प्रश्न 12 की। क्या पूछता है? भारत की AI रणनीति को किस नाम से जाना जाता है? इसकी चर्चा भी हमने विस्तार से करी थी, AI फॉर ऑल नाम से हमारे प्यारे भारत की AI रणनीति जानी जाती है। इस प्रकार का ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई देता है, AI फॉर ऑल। AI रणनीति है भारत की जिसे हम AI फॉर ऑल के नाम से जानते हैं, ठीक। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13 की। सोफिया रोबोट को किस देश ने 2017 में नागरिकता प्रदान की? दोस्तों इस प्रश्न को मैंने आपसे पूछा था कमेंट सेक्शन में, अब आप यहां से आंसर सुन सकते हैं यदि आपने अब तक कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया तो। दोस्तों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं यदि, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन प्रश्नों का आंसर देना कमेंट सेक्शन में। यदि आपको नहीं पता तो आपको सर्च करना चाहिए, इससे क्या होगा, एक तो आपका नॉलेज बढ़ेगा पहली चीज़, दूसरी चीज़ यदि आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं तो दूसरे विद्यार्थियों की भी सहायता हो जाएगी जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, ठीक।
तो दोस्तों वर्ष 2017 में सोफिया रोबोट को किसने नागरिकता दी? आपको पहले तो कमेंट में ये बताना है सोफिया किस प्रकार का रोबोट है, इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और फिर दोस्तों हम सभी जानते हैं सऊदी अरब इस देश ने सोफिया को वर्ष 2017 में अपने देश की नागरिकता प्रदान की। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न 13 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर एआई के लिए उपयोग की जाती है? तो दोस्तों हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी पाइथन, लिस्प की तो थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है लिस्प, प्रोलॉग तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका है। इन तीनों भाषाओं का उपयोग एआई में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 14 का पूर्णतः सत्य आंसर है। प्रश्न 15 क्या कहता है, शतरंज के पूर्व विश्व विजेता कौन है? ये गौरी कैस्परोव। इनको हराने वाले उत्कृष्ट कंप्यूटर का नाम बताएं। दोस्तों भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता इन खिलाड़ी के लिए हरा दिया था। अब आपको बताना है डीप ब्लू जो कंप्यूटर है किस कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया, कहां बताएंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 16, नीति आयोग की या नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था? आपको बताना है नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया था? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं उस समिति का गठन राजीव कुमार की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 16 का एकदम सटीक जवाब है। फिर बारी आती है 17 की, जॉन मैकार्थी द्वारा एआई के लिए खोजी गई प्रथम भाषा कौन सी है? जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किस भाषा को खोजा था? तो दोस्तों उस भाषा का नाम है लिस्प। इसका फुल फॉर्म मैंने आपसे कमेंट में पूछा है, आप जरूर बताएं दोस्तों कितनी बार मैं आपसे पूछ चुका हूं। और यदि आपको हमारी वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट हो रहा है, आपका नॉलेज बेस बढ़ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपकी संबंधित विषय में पकड़ मजबूत हो रही है, तो आपसे गुजारिश है मेरी आप अधिक से अधिक संख्या में हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट आप कैसे करेंगे, खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि और दूसरे विद्यार्थी भी हमारी इस सुविधा का बेनिफिट ले पाएं और हमारा भी उससे सपोर्ट हो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें निरंतर काम करने के लिए, निरंतर प्रयासरत रहने के लिए मनोबल मिलता है। बिना आपके सपोर्ट के इंसान इतने लंबे समय तक लगातार काम नहीं कर सकता, तो निरंतर आपके सपोर्ट की हमें दरकार है और आपसे अपेक्षा है कि आप अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे। अधिक से अधिक दोस्तों वीडियो को शेयर करें, आप अलग अलग माध्यम में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, इंडिविजुअल भी, यदि किसी को आवश्यकता है तो आप ज़रूर हमारे वीडियोज़ को रेफ़र करें। ठीक, साथ ही साथ वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर करें। यदि आप वीडियोज़ को अधिक संख्या में लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वीडियो की रीच यूट्यूब के द्वारा बढ़ा दी जाएगी और वीडियो खुद से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँच पाएगा। तो आपसे इतनी मेरी गुजारिश है, आप इतना ज़रूर करें आपके अपने चैनल के लिए। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 18 की। प्रश्न 18 क्या पूछता है, किस राज्य की सरकार ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया? चर्चा की हुई थी हमने, इसका आंसर भी बड़ा आसान है क्योंकि आपको पता है वह कौन सा राज्य है, वह है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना सरकार ने दोस्तों वर्ष 2020 को एआई वर्ष घोषित किया। फिर प्रश्न क्रमांक 19, मध्य प्रदेश ने स्कूली शिक्षा विभाग में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लागू करने का निर्णय कब लिया है? तो दोस्तों हाल ही में वर्ष 2022 में किस गवर्नमेंट द्वारा, एमपी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है कि वे स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ेंगे? तो कब? 2022, ऑप्शन नंबर ए, सन 2022 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 20 की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया में शामिल है, हमें बताना है दिए गए विकल्पों में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोसेसिंग या प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो दोस्तों जब हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे तब हमने देखा था लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ करेक्शन, ये तीनों बातें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो कि है उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 20 का एकदम सटीक जवाब है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। प्रश्न 21 पूछता है, एआई युक्त इसरो द्वारा निर्मित रोबोट जिसका उपयोग गगनयान में किया जाएगा। तो दोस्तों चर्चा की हुई थी, सीधा सा आंसर व्योम मित्र। ठीक, अब आप बताएं व्योम मित्र किस प्रकार का रोबोट है? दोस्तों इतनी बार मैं आपसे कमेंट सेक्शन में अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछता हूं, आपको खुद लगना चाहिए कि कुछ प्रश्न का आंसर तो आपको करना ही चाहिए। ठीक, ये आपकी जिम्मेदारी बननी चाहिए। ठीक, तो व्योम मित्र इसका आंसर है। व्योम मित्र बनाया है किसने? इसरो ने। किस काम के लिए? गगनयान मिशन के लिए। इन सभी तथ्यों को आप ध्यान रखें। यदि आप हमें कमेंट में कहेंगे तो हम जिस सीरीज को बना रहे हैं या जिस विषय से संबंधित सीरीज को बना रहे हैं उस सीरीज में बीच बीच में हम आपके एग्जाम के कंटेक्स्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के प्रश्न भी आपसे पूछ लिया करेंगे, कुछ फैक्ट्स की चर्चा आपसे कर लिया करेंगे, कुछ तथ्य आपको बता दिया करेंगे। यदि आप चाहें तो, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यदि आप चाहेंगे तो वीडियो के बीच में ही हम कभी पॉलिटी की बात कर लिया करेंगे 2-1-2 मिनट, कभी हिस्ट्री की, कभी एमपी की कुछ डाटा को हम देख लेंगे, कभी करंट अफेयर के दूसरे टॉपिक्स देख लेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो आप चाहें। यदि आप बोले तो जो तथ्य मेरे मन में वीडियो के दरमियान या वीडियो बनाते समय आएंगे तो उनका डिस्कशन भी हम कर लिया करेंगे और उनसे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछ लिया करेंगे। यदि आप चाहें तो ऐसा भी किया जा सकता है, बस आपको बेटर लगना चाहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, मेरे लिए नहीं। ठीक, क्योंकि मैं तो बना ही रहा हूं। फिर बारी आती है प्रश्न 22 की। बिक्स बाय किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो दोस्तों मैंने आपसे ये प्रश्न भी पूछा था कि सैमसंग के वॉइस असिस्टेंट, वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट जो कि एआई बेस्ड है, उसका नाम बताएं। तो अब आपको नाम देके कंपनी पूछ ली, तो दोस्तों जो विक्स बाय है वह किस कंपनी का है? सैमसंग कंपनी का है, इतना आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, अलेक्सा किस कंपनी का एआई बेस्ड? अब आप समझ गए, अमेजन का है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अलेक्सा किसका है? अमेजन, ए से अलेक्सा, ए से अमेजन। दोस्तों ऐसा हर बार ना करें क्योंकि बी से बिक्स बाय होता है, बी से सैमसंग नहीं होता, अनर्थ होने की प्रबल संभावना है, इसलिए ए फॉर अलेक्सा, ए फॉर अमेजन तो हो जाएगा, लेकिन बी फॉर बिक्स बाय, बी फॉर सैमसंग नहीं होता, ना एस फॉर सीरी और एस फॉर एप्पल होता है, एस फॉर सीरी होता है, एस फॉर एप्पल नहीं होता ब्रो, है ना, इतना आप ध्यान रख लें। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 24 की। एन ए आई पी, इसका फुल फॉर्म देखें, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। ठीक, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? फुल फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं पेपर का पूछने का तरीका क्या है, काफी बार ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम में 2-3 फुल फॉर्म भी पूछे जा चुके हैं। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, और दूसरा फायदा क्या है, फुल फॉर्म जानने से आप अनुमान लगा पाते हैं ऑप्शंस में। मान लो फुल फॉर्म नहीं दिया होता, एन ए आई पी बस लिखा होता,
और आपको फुल फॉर्म मालूम होता तो आप गैस वर्क सही से कर पाते ऑप्शंस के बीच में। इसलिए फुल फॉर्म जरूर आप ध्यान रखें भाई। नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम किसका है? नीति आयोग का है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अब कमेंट में आपको क्या बताना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वर्तमान सीईओ कौन है, इतनी चीजें आपको बतानी है। एक प्रश्न और है, सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे दें, ठीक। फिर बारी आती है प्रश्न 25 की। प्रश्न 25 में आपसे पूछा जा रहा है वर्ष 2021 की या वर्ष 2021 में लॉन्च की गई USIAI पहल भारत और अमेरिका के मध्य किस प्रयोग पर आधारित है। तो दोस्तों USIAI पहल, यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये US वाला सेक्शन, इसका मतलब है अमेरिका, आई फॉर होता है इंडिया, और फिर बचा AI। अब आप समझ गए होंगे AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। तो जो USIAI पहल है कब लॉन्च की गई, वर्ष 2021 में लॉन्च की गई, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI या हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, ठीक। इन बातों को आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है प्रश्न 26 की। भारत में AI से संबंधित स्टार्टअप बताइए। तो दोस्तों आर्या AI, टाटा फ्लूड AI, दोस्तों ये सभी भारत में AI से संबंधित क्या हैं, स्टार्टअप हैं, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न क्रमांक 27, AAAI फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों ध्यान रख लें इसका फुल फॉर्म, ठीक। इसका मुख्यालय पूछ लिया कहां पर है, बताएं दोस्तों AAAI का मुख्यालय कहां पर है। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया कहां है, कमेंट सेक्शन जहां है वहां आपको बता देना है। प्रश्न 28 क्या पूछता है, भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। मुझे याद हो गया दोस्तों, सिटी यूनियन बैंक, ठीक। कहां पर भैया, तमिलनाडु का है, ध्यान रख लेना, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 29, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की टेक्निक कौन सा टेस्ट है, एल्गोरिथम, ऐसा जिंदगी में नहीं सुना भाई, बुलियन टेस्ट भी नहीं सुना, कोई भी क्या होता है, कोई भी कुछ नहीं होता है, एकमात्र ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूरिंग टेस्ट। इसके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की कोशिश की जाती है या इससे मापा जाता है, जिस प्रकार से भी आपको सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है आप कर लें, बस क्वेश्चन में आंसर सही होना चाहिए आपका, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर सही होना चाहिए। एट द एंड अंतिम उद्देश्य है एग्जाम निकालना, प्रीलिम्स क्लियर करना, फिर मेंस जो कि मेन एग्जाम है आपका उसे देना। बिना प्रीलिम्स क्रैक किए आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेन प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एग्जाम मेंस है, फिर इंटरव्यू है, प्रीलिम्स तो छटनी करने के लिए है यार, देख खुद की छटनी करवा लोगे बिना पढ़े, कम मेहनत किए, तो प्रतिभा का प्रदर्शन कहाँ करोगे दोस्तों। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ठीक, और फिर सही आंसर पर टिक करने का प्रयत्न करें। और ऐसा कब होगा, सिर्फ प्रश्न पढ़ने से नहीं होगा, आपको थ्योरी सेक्शन सारे कॉन्सेप्ट्स बढ़िया तरीके से क्लियर करने होंगे। बिना इनके आप कितने भी ढंग से प्रश्न पढ़ लें, यदि चीज़ें ही पता नहीं होंगी तो ना तो प्रश्न समझ में आना है और ना ही ऑप्शन, और दिमाग अलग चक्कर खा जाएगा, तो बनते हुए प्रश्न भी गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ढंग से थ्योरी सेक्शन को कवर करें, सारे कॉन्सेप्ट्स और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मेमोराइज करने का प्रयास करें। दोस्तों अपने आप से कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रयास करना पड़ेगा, कोई ऐसी चम्मच नहीं बनी है सोने की कि आपको
उसमें रख के शहद चटा दिया जाए, कुछ अमृत पिला दिया जाए, तो आपको सारी चीज़ें याद होगी। ऐसा नहीं होने वाला, आपको प्रयास करना पड़ेगा, एक एक तथ्य को ध्यान रखने का प्रयत्न करना होगा। निमोनिक्स भी आपको खुद ही बनाने होंगे। बीच बीच में मैं आपको तरीके बताता हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को इंटरलिंक करके याद कर सकते हैं, तो उस ही तरीके का आपको उपयोग करना है और अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राइव करना है, अपने हिसाब से चीज़ों को जमाना है, बनाना है, फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ताकि आप प्रिलिम्स को क्लियर कर पाएं, फिर मेंस का नंबर आ जाए। प्रश्न क्रमांक 30 आपसे क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 30 से पूछता है, सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? किसके लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शिखर सम्मेलन? सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी। तो दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कब किया गया? 2020 में किया गया। किसके लिए उत्तरदायी? सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना। फिर व्योम मित्र, दोस्तों व्योम मित्र है पहली चीज तो, ठीक, इतना आप करेक्ट कर लें। व्योम मित्र किसके द्वारा निर्मित AI आधारित महिला रोबोट है? टाइपिस्ट की मिस्टेक है, राइटर का वो नहीं होता इसमें, है ना। टाइपिस्ट कई बार मिस्टेक नहीं होती, जल्दबाजी में चीजें मिस हो जाती हैं, ठीक है। तो व्योम मित्र किसके द्वारा निर्मित AI आधारित महिला रोबोट है, बता दें भाई, किसके द्वारा बनाया गया व्योम मित्र को? इसरो के द्वारा बनाया गया, मैंने आपको बताया है, ठीक। क्यों बनाया गया? गगनयान मिशन के लिए। अब एक प्रश्न और है, गगनयान मिशन को किस वर्ष में लॉन्च करने की बात हो रही है, वह वर्ष आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पता हो तो सीधा बता दें, अदरवाइज सर्च करके जरूर बताएं, ताकि आपके ज्ञान में और बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़कर अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर पाएं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 32 की। प्रश्न 32 आपसे पूछता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित शब्दावली है भाई, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, ये सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 33, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है, बताएं। इसकी चर्चा भी हमने बड़े विस्तार से की थी, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, कुछ डिस्प्ले पर कचरा आ गया था जिसके कारण ये थोड़ा सा छोटा हो गया है ना। अब हाँ, क्वेश्चन क्या था? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है, बताएं, विस्तार से चर्चा हुई है। ऑप्शन नंबर डी, COGX, कोजेक्स बोल सकते हैं, ठीक, इसका आयोजन होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर। प्रश्न 34 क्या बोल रहा है? विश्व की पहली AI आधारित यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पूछी जा रही है दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को सुनना है, और वो दुबई में ओपन की जा रही है या स्थापित की जा रही है? क्या? दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यूनिवर्सिटी। प्रश्न 35, ईको किस कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, बताएं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अमेजन के द्वारा। प्रश्न 36, निम्न में से कौन सा AI का प्रकार है? वीक AI, जनरल AI, सुपर AI। हमने दो प्रकार से बांटा था, योग्यता के आधार पर, कार्य के आधार पर। अब आप ये बताएं, जो इस प्रश्न में पूछा गया है वो किस आधार पर वर्गीकरण है, और जो बचा हुआ है वह कौन सा है, और उसका वर्गीकरण भी कमेंट सेक्शन में पढ़ दें। समझ नहीं आया हो तो ठहरिए, थोड़ा सा बैक करिए, मैंने क्या बोला फिर से एक बार उसको सुन लीजिए। लेकिन जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन सा AI का प्रकार है, तो दोस्तों वीक AI, जनरल AI, सुपर AI, ये तीनों के तीनों दोस्तों AI के प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 36 का एकदम सटीक जवाब है। 37 क्या बोलता है? कार्य के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों आंसर ही हो गया कमेंट, फिर भी कमेंट कर दें आप, कोई बात नहीं। रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर भी। ये सभी कार्य के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रकार हैं, उनका वर्गीकरण है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 38 की, डीप ब्लू का संबंध किससे है, बताइए। डीप ब्लू का संबंध किससे है? रिएक्टिव मशीन्स, इसकी चर्चा हमने की थी थ्योरी वाले सेक्शन में, यदि आपने नहीं देखा तो फिर उसको जरूर देख लें, अभी भी समय है आपके पास।
थ्योरी सेक्शन को जरूर कवर कर लें, क्योंकि थ्योरी यदि आप कवर कर लेंगे तो 90%, 95%, इवन 99% क्वेश्चंस जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उनके आंसर आप कर लेंगे सिर्फ थ्योरी कवर करने से। यदि सिर्फ आप प्रश्न करेंगे पहले, तो उससे आप उतने ही तथ्यों को, उतने ही कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे जितने प्रश्न में लिखे हुए हैं। तो पहले थ्योरी कवर कर लें, उसके बाद फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करें, ताकि प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से हो जाए। यदि आप पढ़ते लिखते हैं नहीं, सीधा टेस्ट पेपर उठा लेंगे, तो पढ़ाई नहीं होती वो, ना वो अपनी तैयारी का आकलन होता है, वो मजाक हो रहा होता है, और जिसका खामियाजा आपको अपने करियर से कंप्रोमाइज करके चुकाना पड़ेगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 39 क्या बोलता है, सेल्फ ड्राइविंग कार किसका उदाहरण है दोस्तों? सेल्फ ड्राइविंग कार विस्तार से चर्चा की थी, लिमिटेड मेमोरी का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 40 क्या बोलता है, भविष्य की एआई निम्नलिखित पर आधारित होगी। भाई किस पर आधारित होगी भविष्य की एआई? हमने इसकी भी चर्चा करी थी, जो भविष्य की एआई होगी वो सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित होगी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। विस्तार से सबकी बात की जा चुकी है, आपको देखना होगा पुराने वीडियोस को। प्रश्न क्रमांक 41, गूगल द्वारा गूगल मैप का प्रारंभ कब किया गया? बताएं दोस्तों गूगल मैप कब शुरू किया गया, तो वर्ष 2005। कब किया गया? वर्ष 2005 में गूगल मैप को शुरू किया गया। अब कौन करेगा भाई, गूगल का मैप है तो गूगल ही करेगा। फिर बारी आती है सी ए आई आर का पूरा नाम क्या है, ठीक, सी ए आई आर का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसको आप ध्यान रख लें, इसका मुख्यालय, कब इसकी स्थापना, वो सन और इसका हेडक्वार्टर। दोस्तों हेडक्वार्टर का प्रश्न तो नीचे ही आ गया, तो आप सन बता दें कि सी ए आई आर की स्थापना किस सन में की गई थी, इसका उद्देश्य क्या है, कम से कम सन तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। फिर पूछा गया प्रश्न क्रमांक 43, सी ए आई आर अर्थात सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नए टॉपिक को जिसका नाम है रोबोटिक्स, ठीक। तब तक के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है, और एक बात और दोस्तों, आपको हमारा सपोर्ट जरूर करना है, ठीक, क्योंकि अपने जीवन का अमूल्य समय निकालकर हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, जो समय कभी वापस नहीं आना, ठीक। तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारा सपोर्ट करना, तो ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करेंगे, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और दोस्तों मैं हमेशा बोलना भूल जाता हूँ, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम आपके लिए निरंतर कुछ ना कुछ कंटेंट अपडेट करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, और वीडियोस की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। कई बार YouTube से नोटिफिकेशन नहीं आ पाता या लेट आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी तुरंत के तुरंत वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, और तब तक नहीं रुके जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।